नमस्कार, रमेश काशीपुर गांव में अपनी पत्नी माला के साथ रहता था। उसे मजदूरी करके बहुत थोड़े पैसे मिलते, जिससे उसका मुश्किल से ही गुजारा हो पाता था। रमेश अपनी गरीबी से बहुत परेशान रहता था। उसकी पत्नी माला की भगवान शंकर पे बहुत आस्था थी। वो रोजाना भगवान शिव के मंदिर जाकर पूरी श्रद्धा से पूजा करती थी। एक दिन रमेश ने कहा, अरे माला, तेरे पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं है, भगवान बड़ा कठोर है। आज तक हम गरीबी में दिन बिता रहे हैं, वो तेरी कभी भी नहीं सुनेगा। माला ने कहा, मुझे मेरे भोले भंडारी पर पूरा विश्वास है, वो हमारी परेशानियाँ एक दिन जरूर दूर करेंगे। रमेश ने कहा, चल देखता हूँ तेरा भगवान तेरी कब सुनता है, अभी काम ढूंढने जा रहा हूँ। माला को भगवान पर पूरा भरोसा था, पर रमेश को भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास ना था। एक दिन माला बोली, अब घर में कुछ भी नहीं बचा है, बस ये थोड़े ही चावल हैं, क्या तुम्हें कहीं काम मिला? रमेश बोला, कोई काम नहीं मिला, साहूकार के पास भी देने को कोई काम नहीं है। माला ने कहा, भगवान शंकर पर भरोसा रखो, वो हमें एक दिन इस मुसीबत से जरूर निकालेंगे। सावन के दिन चल रहे थे। माला रोज मंदिर जाकर शिवलिंग पर पूजा करती और सोमवार के व्रत भी रखती। माला को एक रात भगवान शिव सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं, माला, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुआ, अब जल्द ही तेरे दुख दूर हो जाएंगे। माला सुबह उठती है और सपने वाली बात रमेश को बताती है। रमेश कहता है कि वो बस एक सपना था। फिर रमेश साहूकार के पास काम ढूंढने चला जाता है, पर आज भी साहूकार उसे काम देने से मना कर देता है। वो उदास होकर घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे पीछे से एक आवाज आती है, अरे सुनो तो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। रमेश कहता है, जी बोलिए, क्या काम है? आदमी ने कहा, जब तुम साहूकार से काम मांग रहे थे मैं वही था, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं सावन में हरिद्वार से कावड़ भरकर गंगा जल यहाँ बने शिवलिंग पर चढ़ाना चाहता था, पर मैं अब चल नहीं पाता, क्या तुम मेरे लिए हरिद्वार से गंगा जल भरकर कावड़ ले आओगे? मैं इस काम के पूरे 50,000 रुपए तुम्हें दूंगा। रमेश हैरान हो जाता है, उसने तो 50,000 कभी देखे भी नहीं थे। उसे रुपयों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो हाँ कर देता है। आदमी कहता है, ठीक है, ये कुछ पैसे रास्ते के लिए रखो और कल सुबह ही हरिद्वार के लिए निकल जाओ। रमेश घर आकर माला को सारी बात बताता है। माला खुश हो जाती है और रमेश के जाने की तैयारी करती है। रमेश कावड़ लेकर निकल जाता है। वो तो इसलिए कावड़ लेकर जा रहा था कि उसे इस काम के 50,000 मिलने वाले थे। वो हरिद्वार पहुंचता है और गंगा जल भर लेता है। वापस आते वक्त उसे एक आवाज सुनाई देती है, कोई पानी पिला दो, मैं अंधा हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। रमेश आवाज सुनकर रुक जाता है। वो कहता है, मेरे पास पीने का पानी नहीं है, बस ये गंगा जल है, अगर मैं ये जल इन्हें पिला दूंगा तो उन बूढ़े बाबा से क्या कहूंगा, पर मैं इन्हें प्यासा भी तो नहीं छोड़ सकता। मैं इन्हें जल पिला देता हूँ और उन बूढ़े बाबा को कह दूंगा कि मैं जल नहीं ला पाया, लगता है मेरी किस्मत में पैसे थे ही नहीं। और रमेश सारा जल उस प्यासे व्यक्ति को पिला देता है। वो प्यासा व्यक्ति जल पीकर बहुत खुश हो जाता है और रमेश को एक पोटली देकर कहता है कि ये लो, इसे घर जाकर खोलना और देखना, माला तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। रमेश घर की तरफ निकल जाता है
और गांव में पहुंचकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढता है, पर वो बूढ़ा आदमी उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वो साहूकार की दुकान पर जाकर कहता है कि जब मैं आपसे काम मांगने यहाँ आया था तो यहाँ एक बूढ़े बाबा थे, क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ हैं? साहूकार कहता है कि ऐसा कोई बूढ़ा आदमी कभी उसकी दुकान पर आया ही नहीं। रमेश हैरान हो जाता है और घर जाकर सारी बात माला को बताता है। दोनों मिलकर उस पोटली को खोलते हैं तो देखते हैं उसमें पूरे 50,000 रुपए होते हैं। वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं। उसे याद आता है कि उस बूढ़े बाबा को मेरी पत्नी माला का नाम कैसे पता था। वो समझ जाते हैं कि ये सब भगवान शंकर का ही चमत्कार है और ये सब खेल भोले बाबा का रचाया हुआ है। जय हो भोले बाबा की।